ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் முக்கிய நகரங்களில் கலர் மீன்கள் உற்பத்தி அதிக அளவில் செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் சிறு மீன் பண்ணை விவசாயிகள் வருவாய் ஈட்டுகின்றனர். இவர்கள் நிரந்தரமாக பயனடையும் வகையில் மீன் கண்காட்சி நிலையத்தை அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. கலர் மீன்கள் அழகு மற்றும் வாஸ்துக்காக வீடுகளில் வாங்கி வைக்கப்படுகிறது. சிறு குளங்களில் கூட குறைந்த தண்ணீரில் விரும்பிய மீன்களை தேவைக்கேற்ப உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் என்று ராஜஸ்தான் மாநில மீன் வளர்ப்பு விவசாயிகளின் சங்க தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். बिल्कुल फार्मरों को क्योंकि ये क्या है कि छोटे स्केल पे पैदा की जाती है. आप चाहो तो इसको घरों में भी मतलब छोटे छोटे प्लॉट्स पे इसको इसका प्रजनन कर सकते हैं और इसको पीसेस के हिसाब से आप बेच सकते हैं. मैं 24 परगना में गया था ट्रेनिंग में. मैंने वहाँ देखा है कि सोसाइटियाँ बना के महिलाएँ छोटे छोटे पॉन्ड्स के अंदर इसकी कृषि करती हैं. एक एक प्रजाति की मछली अलग अलग तरीके से पाली जाती है और डिमांड के हिसाब से जिसमें जो है वो उसको उसकी पूर्ति की जाती है. वहीं से आज तक अभी फिशेज आ रही है अपनी. கடந்த சில ஆண்டுகளாக கலர் மீன்கள் உற்பத்தி ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. இதன் மூலம் 25,000 பேர் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பயனடைந்து வருகின்றனர். मार्केट का तो अभी फिलहाल तो जैसे मतलब दिल्ली जाता है इनका माल जो रेवेन्यू स्टेट को मिल रहा है वो तो 20 करोड़ पे पहुंच चुका है. और जहां तक ठेकेदार का रेवेन्यू का सवाल है तो वो तो कोई इनकम तो अपनी उजागर नहीं करते हैं, उनके वहीं तक सीमित रहता है. लेकिन प्रोडक्शन हमारा जो 12-13 हज़ार मीट्रिक टन था वो हमारा 27,000 मीट्रिक टन तक पहुँच चुका है. और उसमें वृद्धि की ये कर रहे हैं कि अगले 5 साल या 10 साल में 80,000 मीट्रिक टन तक इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जा सके. மாநிலத்திற்கு வருமானம் தரக்கூடிய மீன் பண்ணைகள் ராஜஸ்தான் தலைநகரான ஜெய்ப்பூர், துங்கார்பூர், மன்சுவாசா உள்ளிட்ட 4 நகரங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.